प्यार था वीडियो बनाना, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो गई जो मेरा फ़ोन का डाटा था बहुत ही ज़्यादा, तब भाई मतलब ख़राब सा हो गया। तो भैया जो अब आगे की क्लिप आप देखेंगे तो माफ़ करना, क्योंकि आधी ही है जो भी हुआ था, समझ रहे हो ना, तो समझदार हो तुम लोग। हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, सो कैसे हो आप लोग। तो वेलकम अगेन टू न्यू अवर लेटेस्ट व्लॉग। तो ये आज का दिन बहुत ही ज़्यादा भाई और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम अपने काम से निकल रहे हैं। तो भैया आज हम जा रहे हैं अपना लाइसेंस बनवाने, और तो बन चुका है तो लेने जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, तो चले, क्योंकि लाइसेंस मैंने बनवा लिया था, तो अब अप्लाई भी कर देता, अपॉइंटमेंट भी ले ली थी, सब हो चुका था, बट अब जाना था और लर्निंग लाइसेंस लेके आना था, तब समझ रहे हो। तो बताते मैंने कैसे कैसे बनवाया और कैसे कैसे अप्लाई किया। चलो भैया चलते हैं अपने सफर की तरफ। तो अहमद मैं भी तैयार हो गया हूँ, और देखते क्या करना है क्या नहीं करना। क्या तो भैया चलते हैं अपने सफर की तरफ और देखते क्या करना है क्या नहीं करना, और क्या होता है सोचा नहीं, जो भी होगा अच्छा होना चाहिए, काम हो जाए अपना, उसके बाद देखते क्या करना है। आई एम रेडी, कुर्ता पजामा। चलते हैं भैया लाइसेंस बनवाने, जो काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो चल रहे हैं, अब देखते क्या करना है। ट्रैफिक का लेवल जो हाई है ना, इतना क्या पता, गाड़ी का जो लेवल है मतलब भाई सॉरी ट्रैफिक का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा हाई, और क्या ही बताओ, माना जीत हो जाता। गाड़ी चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, फिर भी कर दे गाड़ी चलाने का, गलियाँ भी ऐसी हो रही है बिल्कुल भरी भरी थी, और कभी ऐसा नहीं था कि गाड़ी में ट्रैफिक रहता होगा, लेकिन बट आजकल ट्रैफिक की तरह ज़्यादा है। और एक गाड़ी वाला घंटा सामने ही आ रहा है, तो गाड़ी वाला भी। तो भैया अब हम अपनी गलियों से बाहर, सड़क के रास्ते से बाहर निकल गए, और जो ट्रैफिक की दुनिया से बाहर निकल गई, वापस आ चुके हैं। और इस ट्रैफिक की दुनिया से बाहर ये शॉर्टकट हमारा, क्योंकि मेन रोड से हम जा नहीं सकते, मेन रोड से जाएंगे तो भाई साहब ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि भाई गाड़ी चलाने का मन ही नहीं करता, मेन रोड से जाना तो मुश्किल ही है। तो देखते हैं यहीं से जाएंगे और फिर ऊपर ही पहुँचेंगे, सोच रहा हूँ सोचना मतलब फ़ोन चेंज कर देना चाहिए, बिकॉज मेरे को वाइड एंगल चाहिए, वाइड एंगल है तो सोच रहा हूँ वाइड एंगल में मैं यूज़ करूँगा, फ़ोन लेने की सोच रहे हैं, देखते क्या होता है, अभी कुछ सोचा नहीं है, बट फिर भी देखते क्या सीन है क्या है अभी। बट ये जल्दी आए फ़ोन चेंज करूँगा, बिकॉज मेरे को क्लियरिटी भी अच्छी चाहिए और क्वालिटी दोनों अच्छी चाहिए। तो माइक का भी जो कर रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं, मतलब हल्के हल्के हुआ है सेटअप ठीक, मतलब तब तो समझ रहे हो ना, जब आ चुके हो तो प्रोफेशनली बन गया ना, तो बस हल्के हल्के सेटअप करेंगे कम्प्लीट, देखते हैं क्या करना है। चलो भैया अपने सफर में जो जहाँ मुझे आना था वहाँ मैं आ चुका हूँ, और क्या है और देखते क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो भी आर टी ऑफिस के सामने, आर टी ऑफिस पहुँच चुका हूँ मैं, उसको आर टी ऑफिस जाते हैं अंदर, अपने कागज़ दिखाएंगे और अंदर जाएंगे, अंदर टेस्ट वगैरह जो भी होगा देखा जाएगा, बड़ा सोचा नहीं, तो कैमरा अलाउड नहीं है, तो बाद में मिलते हैं ठीक है। तो भैया बात भी ऐसी थी, हमने सोचा लाइसेंस बनवा लेते हैं, और बहुत ही ज़रूरी, और ये हमारा लाइसेंस बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट वर्क ही करना ज़रूरी था, और हम सब बनवा लेते हैं वरना काम पेंडिंग के पेंडिंग पड़ रहते हैं। ऐसे मैंने सोचा था कि हम मतलब जैसे मेरा बर्थ जो मेरा मतलब पिछले साल जब मैं 18 का हो गया था तभी बनवा लेता उसी दिन के बाद, बट इतना ज़्यादा मतलब पेंडिंग करते 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 तो एक साल से ज़्यादा हो गया, बट अब जब लॉकडाउन हुआ लाइसेंस की ज़रूरत पड़ी, और सब कुछ लाइसेंस मतलब आज के जैसे कि बिना लाइसेंस के घर से बाहर निकलो तो चलान कटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो चलान भी कटते हैं और पैसे जेब में होता नहीं है, तो इसलिए
वो चीज़ ज़रूरी थी, तो मैं लाइसेंस बोला बनवा लेते, तो मैं लाइसेंस बनवा लिया और लाइसेंस बन गया हमारा, लाइसेंस सारा काम हो चुका है। और बस और कल वाली बात, कल हुआ क्या जब मैं घर पे आया तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो मैंने क्लिप मैंने पूरी रिकॉर्ड करी थी, सब उतना भी था सब रिकॉर्ड करा था, बट कुछ ही कुछ पार्ट रह गए तो मेरे एडिट में आए। और जब मैं एडिट में नहीं, मतलब जब मैं वीडियो बना रहा था, जब मैंने जैसे घर आया और जैसे मैंने देखा कि वीडियो के जो कुछ पार्ट है जब मैंने खोले ओपन करे तो वो ओपन ही नहीं होते, कैन नॉट फाइल ओपन, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया हमारा। और हमने सोचा कि अपना घर तो वीडियो तो बताना था आपको, फिर तो बता ही देते, लेकिन वो सस्ता सबूत के लिए तुम पता स्टार्टिंग में देख लिया होगा सस्ता, और कह तो सकते किस्मत ही ख़राब तो बोल नहीं सकते, बट फिर भी हमने सोचा कि ठीक है अच्छी बात है तो चलो। बट तुम्हारे साथ बात शेयर करनी थी इसलिए आ गया। और भैया कैप्टन इंडिया ने भी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्ट्रैक निकाल दिया, मतलब समझ रहे हो कितने टेक्नोलॉजी आजकल मेड इन चाइना को छुपा रहे हैं और मेड इन इंडिया को छुपा रहे हैं ना, तो उससे ज़्यादा उनका डिस्ट्रैक ऊपर से जा रहा है। इंडिया के 90 के हो चुके हैं और तो उनके 100 के करवाओ, उनको भी सिल्वर प्ले बटन की और पहुँचाओ, और उनको भी बहुत ज़रूरत है और समझ रहे हो ना। तो कैप्टन इंडिया वाला सीन भी ठीक है बट ज़रूरी है। और ये वाला ब्लॉग में तो पता है मुझे मज़ा नहीं आया होगा, बट नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का मज़ा आएगा, क्योंकि अभी जुगाड़ चल रही है, माइक मंगाया है तो माइक आएगा, तो ट्राईपॉड भी नया आएगा, तो दोनों ही चेंज होंगे तो आवाज़ अच्छी आएगी, साउंड की क्वालिटी बढ़ेगी और वीडियो बनाने में और मज़ा आएगा। तो फ़ोन भी ठीक होगा, फ़ोन ठीक होगा तो और मज़ा आएगा, बिकॉज फ़ोन ठीक होगा तो कैमरे की क्लियरिटी और ज़्यादा ठीक होगी, और कैमरे की क्लियरिटी ठीक होगी तो और मज़ा आएगा ब्लॉगिंग करने में और तुम मेरी शक्ल देख पाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर यार वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके जाना, वीडियो को शेयर करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, पर इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना जाके, हाँ बहुत ज़्यादा बहुत सारी बातें शेयर करते हैं आपस में बैठ के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जाओ और कैप्टन इंडिया वाली वीडियो डिस्ट्रैक्ट हो सुन के भी आओ, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा तबाही वाला सीन है, क्योंकि कैप्टन इंडिया आजकल लगा हुआ है भाई साहब। रीच लाओ, और हमारी बात एक और, तो रीच लाओ सेवा हम भी शुरू करने वाले हैं, हमारी रीच रुक गई थी बट अगेन एंड अगेन वीडियो डालते डालते एक और रीच शुरू हो गई है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू।